जय हिंद दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लोन माफ़ के ऊपर में। लोन माफ़ी पर काफ़ी वीडियोस आ चुके हैं पहले भी, और ये एक और नया वीडियो है। मुझे हमेशा लोग कमेंट करते हैं कि क्या हमारा लोन माफ़ हो सकता है कि लोन माफ़ नहीं हो सकता है। तो जिनका भी लोन 2 लाख रुपये या उनसे कम का है, तो उसके लिए उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप लोग इन तक वॉच करते रहिएगा, और मैं यहाँ पर आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि क्या आपका लोन माफ़ हो सकता है कि लोन माफ़ नहीं हो सकता। और एक बात और कि अगर लोन माफ़ होता है तो फिर कैसे होता है, उसका पूरा प्रोसेस क्या है। तो अगर आपका भी लोन है, बहुत सारे एप्लीकेशन से है, या फिर बैंक से है, या क्रेडिट कार्ड से है, और अगर आपने लिया है पर्सनल लोन, पर्सनल लोन का मतलब होता है कि आपने सिर्फ आधार पैन कार्ड पर लोन लिया है और आपने कोई भी प्रॉपर्टी अपनी मॉर्गेज नहीं रखी। अब यहाँ पर मैं आपको हिंदुस्तान टाइम्स का एक डाटा जो है वो दिखाना चाहूँगा, तब आपको मैं आगे समझाऊंगा कि पूरा प्रोसेस क्या होता है लोन माफ़ी का, ठीक है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट पढ़े कि 5 साल में 10 लाख करोड़ के बैड लोन माफ़, 2022-23 का डेटा 2 लाख करोड़ के पार, आरटीआई में बोली आरबीआई। आरबीआई ने ये खुद बताया है कि एनपीए रेशियो कम करने के लिए, एनपीए रेशियो कम करने के लिए आरबीआई ने लगभग 5 साल में 10.5 लाख करोड़ रुपये का बैड लोन माफ़ कर दिया है। अब बैड लोन क्या होता है, जिनको लोन दिया जाए और वो वापस नहीं भरते हैं लंबे समय तक, तो सबसे पहले तो उनका अकाउंट एनपीए होता है। एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मैंने 1 लाख रुपए का लोन लिया और 3 ईएमआई को ड्यू कर दी। अब 3 ईएमआई को ड्यू करने के बाद कंपनी के ऊपर में है कि वो मेरा लोन एनपीए कब करती है, उनके पास पावर आ जाता है लोन को एनपीए करने का। अब उन्होंने अगर मेरा लोन एनपीए कर दिया तो फिर वो बैड लोन कहलाएगा। अब लंबे समय तक जब मेरा अकाउंट एनपीए में रहेगा, कंपनी मुझसे बार बार मैसेज करेगी, कॉल करेगी कि जो भी आपका पेमेंट है वो जल्दी जल्दी आप भर दीजिए, नहीं भरेगा तो आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे, ये जैसे करेंगे वैसे करेंगे। लेकिन मैंने जितना भी उन्होंने मुझे कहा, मैंने 1 रुपया भी उनका नहीं भरा, कि मेरे पास फाइनेंशियल सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी इसीलिए मैं पैसा नहीं भर पाया। तो इसके बाद क्या होगा, तो वो मेरा बैड लोन है वो माफ़ होगा कि नहीं होगा, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको नीचे और दिखा देता हूँ रिपोर्ट्स के मुकाबले, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि लोन कभी माफ़ नहीं होता। तो आप लोग देख सकते हैं 5 साल में 10.5 लाख करोड़ रुपए के बैड लोन को माफ़ किया गया, ये खुद आरबीआई ने कहा है और ये हिंदुस्तान टाइम्स का न्यूज़ है। आरबीआई ने सूचना का अधिकार के तहत आरटीआई फाइल कर सकते हैं, आपको भी मालूम है कि आरटीआई कब और कैसे फाइल करते हैं, वो आप यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं। सूचना जानकर मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान बैंकों ने 2 लाख करोड़ रुपये का अधिक बैड लोन माफ़ कर दिए। इसके साथ ही पिछले 5 वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र द्वारा कुल 10 लाख करोड़ रुपए का हो गया है, ठीक है। अब देखिए बैड लोन माफ़ करने के पीछे क्या कारण होता है। सबसे पहला कारण यह है कि अगर किसी भी बैंक का एनपीए रेशियो बढ़ेगा, अगर एनपीए रेशियो बढ़ेगा तो जो जितने भी बैंक हैं सब के सब वहाँ पर शेयर मार्केट में लिस्ट हैं, तो अगर उनका एनपीए रेशियो बढ़ा तो उनका जो शेयर का दाम है वो तुरंत ही कम हो जाएगा, धराम हो जाएगा, शेयर मार्केट में जितने भी आपको बैंकिंग स्टॉक्स है सब के सब नीचे गिर जाएंगे। तो इसी से बचने के लिए क्या करती है, बैंक की ज़्यादा बैड लोन होता है तो उसको राइट ऑफ कर देती है। राइट ऑफ करने के बाद भी उनके पास अधिकार होता है लोन रिकवरी करने का, वो चाहे तो आपसे लोन वापस रिकवर कर सकती है, या आपको बार बार बोलेगी कि नहीं आपका लोन अभी आप अपना जल्दी से जल्दी भरिए, ऐसा होता है। बहुत सारे मामले आते हैं, 2008 का लोन है, 2010 का है, 2012 का है, 2015 का है, यानी 10 साल पुराने मामले, 15 साल पुराने, जिन्होंने 15 साल लोन नहीं दिया, 10 साल लोन नहीं दिया, 10 साल बैंक बाद भी आती है और पूछती है कि आपके पास पैसा है, जो लोन क्लोज करना चाहते हैं तो कर दीजिए। तो इसी तरीके से अगर आप लंबे समय तक पैसा नहीं देते हैं तो बैंक कभी भी आपका पूरी तरीके से लोन माफ़ नहीं करती, वो सिर्फ अपने अकाउंट से आपका लोन साफ़ कर देती है ताकि उनका अकाउंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर रहे। अब इससे उनको ये फ़ायदा होता है कि उनका एनपीए रेशियो वो धीरे धीरे करके कम हो जाता है। अभी की मैं बात करूँ तो अभी का ग्रॉस एनपीए रेशियो अगर देखेंगे सभी बैंकों का, तो मात्र यहाँ पे आपको 3.9% पे आ गया है, जो कि सबसे कम है पिछले 10 सालों की बात की जाए तो, क्योंकि लोन काफ़ी ज़्यादा सभी की रिटर्न ऑफ हो रहे हैं, इसी वजह से एनपीए रेशियो कम आ रहा है। अब मैं इसको आपको सिंपल से सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए एनपीए कम करने के लिए ऋण माफ़ी, एनपीए को कम करने के लिए ही लोन माफ़ होता है।
बता दें कि बैंक अपनी लेजर बुक में एनपीए को कम करने के लिए डिफ़ॉल्ट ऋणों को माफ़ कर रहे हैं। हालांकि बैंकों ने बट्टे खाते में डाले ऋणों से बहुत कम वसूली की सूचना दी है। 2011 में केवल 30,000 करोड़ रुपये वित्त वर्ष में, 33,000 करोड़ वित्त वर्ष में इतने इतने करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है। लोन कम बन जाता है, देख सकते हैं 90 दिनों तक जब बकाया रहता है तो उसके बाद लोन को एनपीए बनाया जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखा रहा हूँ। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका भी लोन रिटर्न ऑफ हो जाता है, या आपके आप सिविल में जाके चेक कीजिए कि अगर रिटर्न ऑफ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि बैंक ने अपने खाते से आपका लोन जो है वो अब हटा दिया। अब लोन हटाने के बाद फिर बैंक वाले आपसे 1 साल बाद या 10 साल बाद या 5 साल बाद हो सकता है कि आए और आके आपको बोले कि लोन को क्लोज करने के लिए। तो पूरी तरीके से बैंक कभी भी लोन माफ़ नहीं करता अपने, वो बस खाते से हटाता है। तो आप लोग ये समझ जाइए कि लोन कभी भी पूरी तरीके से माफ़ नहीं होगा। तो लोन क्लोज करना पड़ेगा, आज नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं है, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद या 25 साल बाद लोन क्लोज करना होगा। 1 लाख रुपये का जैसे मैंने लोन लिया था, उन्होंने फाइन चार्जेस लगा के 3 लाख बना दिया, तो अब मुझे 3 लाख रुपये भी नहीं देने, मुझे मात्र देना है 20,000 रुपये। मैं लोन को सेटलमेंट करवा लूँगा 10 साल बाद, 5 साल बाद, जब मुझसे होगा मैं लोन को सेटलमेंट करवा दूँगा। अब लोन सेटलमेंट क्या है, कैसे होता है, इसका क्या प्रोसेस है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए चलता हूँ मैं आज के इस वीडियो में, और मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।